आंटी सारी अरेंजमेंट हो चुके हैं स्टोर ओपनिंग की, अब चिंता करने की कोई बात नहीं, इट्स ऑल गुड। थैंक यू सो मच बेटा, एंड सीरियसली तुमने सब कुछ अपने आप कैसे कर लिया, आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड। बस एक ही खलिश रह गई है, काश मैं ब्रांड नेम बदल पाती। यू नो वन अल्फाबेट और पूरा का पूरा ब्रांड वीक हो गया। काश ब्रांड नेम मैंने रोशनी के नाम पर ही रखा होता, लेकिन क्या करूं, अब गलती हो गई तो हो गई। नहीं आंटी, हर ब्रांड की अपनी गरिमा होती है, और फिर आप देखना एक दिन ये ब्रांड और अक्षर दोनों साथ में आ जाएंगे, और फिर एस और आर तो साथ जुड़ने के लिए बने हैं ना, तो साथ मिल भी जाएंगे। झूठी तसल्ली मत दो, अच्छा नहीं लगता मुझे, जस्ट लेट इट गो प्लीज। नहीं आंटी, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं। आई एम श्योर वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा आपने? आप मेरा नाम निकालेंगे इस ब्रांड से? अभी निकाल दीजिए, राइट नाउ, एक सेकंड का भी इंतजार मत कीजिए, राइट नाउ। आप जानती हैं मेरी नेटवर्थ क्या है? सिद्धार्थ खुराना की नेटवर्थ 848 करोड़, 848 crores। जानती है 848 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? अगर आप गिनने के लिए बैठेंगी ना सासू मॉम, तो नींद आ जाएगी आपको। इतने जीरो होते हैं कि आपका ये छोटा मोटा बिजनेस 30-35 करोड़ का मेरे बिजनेस के सामने जीरो है। नथिंग। ऐसे ये टटपूंजी ये छोटे मोटे ब्रांड्स के साथ जुड़ना ना मेरी शान के खिलाफ, मेरी ब्रांड वैल्यू, मेरी ब्रांड इक्विटी, इमेज खराब होती है भैया। अगर आप मेरा नाम यहां से नहीं निकालेंगी तो मैं अपना नाम निकाल लूंगा, इसलिए आई सजेस्ट यू डू इट। क्या करे यार सेठ, ये कोई तरीका बात करने का? देख मैं जानता हूं तू गुस्से में, बट दिस इज नॉट द वे टू डू इट। खैर सब बातों को छोड़, तू स्टोर ओपनिंग पे चला आज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेट्स मेक इट अ सक्सेस। और फिर तू इस घर का जमाई है यार। अबे पागल हो गया तू? कौन सा जमाई, कहाँ का जमाई, अंधा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे गली के कुत्ते जैसी हालत हो गई मेरी, ना घर का हूं ना घाट का, कहाँ का जमाई, जमाई की इज्जत रखी है ना उन्होंने? जमाई 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 ना जमाई और ना इनके बिजनेस का हिस्सा, अभी तो मैं सोलो खेल रहा हूं, समझा? चल गया सब, बस जरा सा रहता है, न जाने क्यों दिल भरा भरा सा रहता है। सुनिए लाइन, किसी महान शायर के अल्फाज हैं, बस यूं ही बगदी आपकी शान। जाइए जाइए, आपके इवेंट के लिए देरी हो रही है आप लोगों को। मैं देखता हूं आज की ताजा खबर क्या है। हम देखें आज का अखबार क्या बोलता है। बजट फोकस ऑन एग्रीकल्चर। हाँ छोड़ो न्यूज व्यूज, क्रॉसवर्ड खेला जाए यार। अरे बड़ा मुश्किल होता है यार ये क्रॉसवर्ड, हमसे ना हो पाएगा अब। इट्स ओके आंटी,
हम बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं। What a disgusting attitude. छी। चलिए। Excuse me. रोशनी बेटा। हाँ मॉम। वो सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं ना, रिटर्न गिफ्ट? मॉम सब हो गया, I'll just complete the pack. ठीक है बच्चे। रोशनी मैं अपनी फाइल कमरे में छोड़ाई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। हाँ ओके। थैंक यू सो मच। सीरियसली मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए आपने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच। जमाई पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या आज से भी इम्पोर्टेंट उनके लिए कोई और दिन है? I don't know how to say this, but इसके अलावा भी उनके काफी काम है। एकलौता बिजनेस तो है नहीं जो वो हैंडल करते हैं। बिजी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को मैं कह दूं कि वो पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप आए तो आ जाएंगे, नहीं तो। बट एनीवे इससे क्या फर्क पड़ता है, उनकी बेटर हाफ यानी कि मेरी बेटी तो यहीं पर है, सब कुछ तो उसी का है, राइट रोशनी? अरे आंटी जी कितना झूठ बोलेंगी आप, और तुम दोनों माँ बेटी को तो ऐसा घूट पिलाऊंगा मैं कि इसी मीडिया के सामने सिट के लिए जहर उगलोगे। बहरहाल जमाई राजा तो यहाँ आए नहीं, लेकिन आतिशबाजी तो जरूर होके रहेगी। चलिए इनॉग्रेट करते हैं। एक सेकंड डीटी मैम, एक फैमिली फोटो हो जाए? अब ऑफ कोर्स, आओ आओ बेटा, अब मुहूर्त का टाइम निकला जा। चलिए आंटी इनॉग्रेशन शुरू करते हैं। हाँ ऑफ कोर्स। अरे सिद्धार्थ खुराना गए। कंग्रेचुलेशन मैम, आप कह रहे थे कि वो बहुत बिजी है, पर देखिए वो तो आ गए। अब तो जरूर आएगा, मीडिया के सामने अच्छी इमेज बना कर रखनी है, पता नहीं फिर कुछ गड़बड़ ना कर दे ये इडियट। हेलो क्या हाल है? फाइनली मैं आ गया। अरे आता कैसे नहीं, मेरी सासू मॉम के लिए इतना बड़ा दिन है, आना तो था ही। क्या मुझे जज कर रहे हैं? अरे भैया हर कोई अपनी स्पेस में चला जाता है कभी, है ना, खो जाता है, अपने ट्रांस में चला जाता है, मैं भी ऐसा ही हूँ। लेकिन आज जब मेरी सास के लिए इतना बड़ा दिन है तो मैं यहाँ ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी मैं जानता हूँ मेरी सास बहुत फॉरगिविंग है, कोई गलती अगर हो भी जाएगी उनके प्यारे जमाई राजा से तो माफ़ कर देंगे। अच्छा लगा आप लोग आए, मेरी सास को इस वक्त प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है, इनकरेजमेंट। डीडी के आशीर्वाद से मुहूर्त का समय निकल जा रहा है, तो प्लीज आप रिबन काट दे तो। इट्स अ क्विक प्लीज। हाँ
ये प्लान कामयाब क्यों नहीं हुआ? सिड ने कैसे खराब किया प्लान? ये तुम लोग सो रहे थे ना, बोला था ना उस पर नजर रखने को। कहां के वो धमाके जो रिबन कटने में होने वाले थे? सर, सिड पे हमारी पूरी नजर है, उसने कुछ नहीं किया है और वो तो आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर उसने नहीं किया तो किया किसने फिर? ये सर पता नहीं। डिस्गस्टिंग। रोशनी तो बच गई, लेकिन तुम मेरे गेम में बने रहे। अरे टेप तो रूम में रह गई, लेके जाना पड़ेगा। रोशनी लॉन्च में धमाका होगा। रोशनी बुझेगी, बी ऑन अलर्ट, कुछ भी गड़बड़ दिखे तो एक्शन लेना। ओह गॉड, संभाल लिया तुमने सब कुछ रोशनी। आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इफ इट वॉजंट फॉर यू, गुड। सही वक्त पे तुमने उस रिबन के साथ जुड़ी हुई तार को काट के उस धमाके को होने से बचा लिया। मैं जानता हूं वो जोकर क्या चाहता। वो चाहता था कि मैं यहां आऊं और धमाके का सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए। वो जोकर अब भी खेल खेलना चाहता है। He wants to play. But this time I'm ready. क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। अब वो जोकर हारेगा, मुंह की खाएगा, जीत हमारी होगी। Congratulations. बेहतरीन प्लान, सही मात्रा में खतरा भी था, लेकिन सब खराब हो गया। सब खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब आपको पता है मैंने आपके सामने ही वायरिंग की थी साहब, अब किसी ने निकाल दिया, मेरी क्या गलती है साहब? साहब साहब मुझे छोड़ दो साहब। निकाल दिया? किसने निकाल दिया? ले जाओ इसे। साहब 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 साहब। अरे चल। अब तू देख सेट खुराना, मेरा ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू अब जिंदगी भर बाहर नहीं कर पाएगा। और फिर तू आएगा मेरे पास किड़किड़ाने के लिए। Thank God लॉन्च अच्छी तरह से हो गया। इतनी स्ट्रेस थी ना मैं। I know. I was so excited, but it was fun. डीडी मैडम, 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 हाँ मैडम, बहुत बड़े लोग आए, बहुत सारा। मतलब? मतलब मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा सूटकेस लाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बावले बावले चुप, अंदर जा, खाना बना, मैं देखता हूँ। चल 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 चल, पागल क्या है ये? इस बेवकूफ आदमी की ना बातें नहीं समझ में आती। मैं सीरियसली आई वांट टू किक हिम आउट। आइए आइए। हेलो, हाय, नमस्ते। नमस्ते।
आइए आइए प्लीज, यू आर वेलकम, प्लीज आइए बैठे। सो हाउ कैन आई हेल्प यू? जी हम लोग राजस्थान से आए हैं, राजघराने से, ये रहा हमारा कार्ड। ओके, ये आपको दिखाना था। Exquisite pieces. Wow. तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके नए रेंज के बारे में तो सबने सुना ही है। हमारी महारानी जी बहुत इंप्रेस हैं और वो इस पीस को आपके कलेक्शन में शामिल कराना चाहती हैं। Really? मतलब ये तो इतना बड़ा ऑनर है मेरे लिए, जरूर आई वुड लव टू डू दैट। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है ये करवाने के लिए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, इट विल बी डन, आप चिंता मत कीजिए। ये रहा आपका एडवांस। थैंक यू सो मच। चाचू मॉम दिस इज ऑसम, लॉन्च के डे 1 पे हम, ओह गॉड दिस इज सो गुड। आ थैंक यू, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छे खासे ज्वेलरी डिजाइंस में देख रहे थे अपने लैपटॉप्स पे और अब भी इसी वक्त मेरा लैपटॉप खराब होना था। इट्स सच ए इरिटेटिंग्स। इतना बड़ा फोन, अच्छा वो जल कुकड़ी इस रूम्स में नहीं है वरना वो कभी मुझे यूज करने नहीं देती। एक मिनट, इट्स अ हाउसेस। ये कर कर आप, अक्कल है कि नहीं आप में? ऐसे किसी के भी कमरे में आके तागे छाके शुरू कर देंगे आप? It's a sorry. What sorry? तो सरासर बदतमीज है, this is not acceptable. ये सैम ना आपसे इसी वजह से गुस्सा रहती है। अब आप, अब आप जाइए, नहीं तो डीडी आंटी को मुझे कंप्लेंट करानी पड़ेगी आपकी। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज लीव। Thank God. सही वक्त पर आके मैंने आईपैड ले लिया, नहीं तो सारा खेल खत्म हो जाता। सबको पता चल जाता कि कैमरास कहाँ लगे हैं। और ये क्या इमिटेशन ज्वेलरी की वेबसाइट खोल के बैठी हुई है? इडियट। यश, यश कहाँ हो सर, इधर आना। हाँ जी आंटी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारे अलावा किसके साथ शेयर कर सकती थी? एक्चुअली एक रॉयल फैमिली है राजस्थान से, उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया एक अच्छे से नेकलेस का जो मुझे डिजाइन करना है। उन्होंने मुझे डायमंड्स भी दिए उसके लिए। वाओ, सो आई वाज थिंकिंग आई विल ऐड सम स्टोन्स टू इट और समथिंग। पर बेटा थैंक यू सो मच, तुम नहीं होते ना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सारी की सारी मेहनत तुम्हारी है। अगर मैं सिद्धार्थ पर भरोसा करके बैठी रहती थी ना तो हो गया था काम। मदद करनी तो छोड़ो, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करता मुझसे। बट इट्स ऑल राइट, आज सारा लॉन्च सब कुछ तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी तरह से गया। एंड देन आई गेट दिस ऑर्डर, व्हाट मोर कैन आई आस्क फॉर? इट्स अमेजिंग आंटी, इट्स अ गुड न्यूज। आई एम श्योर ये ऑर्डर ना आपको बहुत आगे ले जाएगा, उस ब्रांड को भी बहुत आगे ले जाएगा। एनीवे मैं जाती हूँ, मुझे सब कुछ कोऑर्डिनेट करना है, डिजाइन करना है, वक्त भी बहुत कम है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच अगेन। चलो रेशम मामी की इमिटेशन वेबसाइट का कुछ तो फायदा हुआ। उन्होंने जो वेबसाइट खोली थी उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। अब असली और नकली का गेम खेलेंगे।